हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 8 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर टूल इन फोटोशॉप CS3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज पढ़ेंगे वर्किंग विथ टेक्स्ट के बारे में। द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। When we use type the text on Photoshop, it is added a separate layer called a typing layer. To add text to image, follow this step. Open image, click the tab tool in tool panel. Select font size color in option bar. Click the left button mouse button on the image and type the text is created in new layer. देखिए आपका टैक्स जो होता है, क्या होता है टूल, क्या होता है ये टाइप टेक्स रहता है फोटोशॉप के लिखने के काम आता है। जब भी हम लोग एक टैक्स को जो हम लोग फोटोशॉप में करेंगे तो वो एक सेपरेट लेयर में आएगा, टाइप लेयर जैसे आएगा वो। इसके लिए हम सिंपल हम लोग जाएंगे इमेज में जाएंगे, वहाँ पर टैप ये जाएंगे टूल में जाएंगे, टूल पैनल में जाके हम लोग इसका फॉन्ट साइज और कलर को चूज़ करेंगे ऑप्शन बार में से। उसके बाद हम लोग लेफ्ट बटन में जाके जहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो वो टैग का टेक्स्ट दिखाएगा, तो वहाँ जाके अब देखिएगा आपकी नया लेयर अभी ऐड हो जाएगा। तो वो जाकर हम लिख के देखिए, हैप्पी न्यू ईयर लिखे, सेलेक्टिंग टैक्स एंड लिखें हैप्पी न्यू ईयर, इससे लिखें तो आपको देखेगा कि नया लेयर आपको एक ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या मूविंग टैक्स को मूव कैसे करते हैं टैक्स को। ऑलरेडी टैप टैक्स कैन बी मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इमेज टू डू फॉलोइंग दिस स्टेप। सेलेक्ट द टाइप लेयर इन द लेयर पैनल, क्लिक मूव टूल इन टूल पैनल, क्लिक द टूल टैक्स एंड ड्रैग द रिसेंट पोजिशन स्टेज एंड रिलीज द माउस बटन। तो सिंपल हम लोग जाएंगे वहाँ पर, पहले लेयर टाइप लेयर का बटन को चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम मूविंग टूल को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर हम लोग सुन करके फिर हम लोग टैक्स वर्क को फिर करके ड्रैग करके इसको नया पोजीशन में ला के रिलीज कर देंगे, तो उससे आपका टैक्स मूव हो जाएगा। वैपिंग टैक्स कैसे करते हैं, वैपिंग टैक्स ऑप्शन अवेलेबल, यू शेप द टैक्स इन द वैरायटी ऑफ स्टाइल फ्रॉम द एग्जाम्पल। You can warp text into the shape of acre and wave to do follow this step. Select the layer, type layer, select type layer and tool in tool panel. Click the created web text button in option bar. फिर आपका भी क्या होगा, the text web dialog box appear. Select the layer from the style drawn ड्रॉप डाउन लिस्ट, इन द दिस केस वी हैव सेलेक्ट द एकल एकन एंकर। देखिए हम लोग क्या करें, कैसे यूज़ करेंगे इसको, पहले हम लोग उसको ये क्या शेप देने के लिए काम आता है वेब टेक्स, इसके हम लोग वेब जैसे बना सकते हैं और एक एकन करके होता है वो भी कर सकते हैं। तो पहले हम सब कुछ टैप लेयर सेलेक्ट करेंगे, टैप्स लेयर टूल्स में जाके हम लोग क्रिएटिंग करेंगे वेब टेक्स्ट बटन को, ऑप्शन आएगा आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि किस तरह से टेक्स्ट चाहते हैं, इसको बोल्ड चाहते हैं, ये कितना पॉइंट है, शार्प होना चाहिए, कितना आप अलाइंस होना चाहिए और ये आपका क्रिएटिंग वेब सेट है, वहाँ पर आपको सेटिंग करना होता है पूरा। तो आपको इस तरह का वेब का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो किस स्टाइल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कितना ब्रांड चाहिए, कितना ये सब आपको पूरा पॉइंट आएगा इसमें, तो इसमें जो सेलेक्ट करके फिर ओके कर देंगे तो आपको दिखाएगा इस तरह से आपका ये वाला आपका लेयर में वेब टेक्स्ट में आ जाएगा। आप क्या यू कैन आल्सो सेलेक्ट द ऑगमेंटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ ब्रेंड हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन, क्लिक ओके एंड रिलीज द सेलेक्ट द टैक्स स्टाइल विल बी अपेयर इन द टैक्स, उससे लग जाएगा। अब देखिए यूजिंग फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एडिट इन द वैरायटी ऑफ द स्पेशल इफेक्ट इन इमेज, यू कैन
define the image in a number of the way. For example, you can use filter to change the look of your image by giving it the appearance of the moisturizing text by adding the lighting the this storing session. देखिए अब फिल्टर क्या था, आपको बहुत सारे इफेक्ट देता है इमेज के लिए, जिससे मॉडिफाई मोड हो सकता है बहुत सारे वे के नंबर पे. या फिल्टर यूज करिए इमेज को क्या होता है, एक अलग से मॉइस्चर टाइस या ये सब तरह की चीज़ हमको लोग लगा सकते हैं फिल्टर से. अप्लाइंग कैसे करते हैं, अप्लाइंग फिल्टर इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, तो अप्लाई फिल्टर फॉलो दिस स्टेप. अप्लाई फिल्टर टू इंटायर लेयर, मेक श्योर दैट द लेयर इज एक्टिविटी. टू अप्लाई द फिल्टर टू द ए पार्ट ऑफ लेयर, सेलेक्ट द लेयर. सेलेक्ट द फिल्टर फ्रॉम द सब मेनू इन मेनू फिल्टर. फिल्टर फिल द वैल्यू एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एंड कैंसिल डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके एंड अप्लाई द फिल्टर. देखिए इसके लिए हम लोग जाएंगे इंटर अप्लाई करेंगे फिल्टर के लिए, जहाँ हम लोग श्योर हो जाए कि वो एक्टिव हो लेयर वो वाला, तभी हम लोग को लेयर है. फिर सिलेक्ट करेंगे फॉर्म सब मेनू से, जो इस तरह से हमको लेयर करेंगे उस लेयर का सब मेनू खुलेगा. वहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ भी टेक्सचर करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको वहाँ पर सब मेनू चेक करके वहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट करके फिर ओके कर देंगे, तो वो चीज़ आपका फिल्टर जो है लग जाएगा. जैसे ये वाला है मॉइस्चर जेल का जो हम लोग चूज़ करें, तो पहले फिल्टर इस टाइप का हम लोग लगेगा. अब फिल्टर गैलरी क्या होता है, फिल्टर गैलरी इज इन फोटोशॉप अलाउज यू टू अप्लाई द फिल्टर इन इन सेंटिमेंटली एंड अप्लाई द डिवाइनेबल फिल्टर मोर देन वंस. यू कैन व्यू द टर्मलेट एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ ईच फिल्टर, रीअरेंज फिल्टर एंड चेंज द सेटिंग ऑफ फिल्टर यू हैव अप्लाई. देखिए सेट गैलरी जो है था बहुत सारा अप्लाई करता है फिल्टर को भी. अभी इसमें हम लोग टेम्पलेट आता है छोटा एग्जाम्पल टाइप का, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इफेक्ट कैसे लग रहा है इसमें इमेज में. टू डू डिस्प्ले द फिल्टर गैलरी सेलेक्ट फिल्टर फिल्टर गैलरी क्लिक द फिल्टर गैलरी नेम अप्लाई ऑन द टेम्पलेट एंड और अरेबल इन फिल्टर इफेक्ट, जो भी फिल्टर में रहता है उसके लिए आपको ये रहा ऐसे अप्लाई करता है. तो अप्लाई द फिल्टर फ्रॉम फिल्टर गैलरी फॉलो दिस स्टेप. टू अप्लाई द फिल्टर ऑन द इंटायर लेयर, मेक श्योर द लेयर इज एक्टिवेटेड और सिलेक्ट द एंड टू अप्लाई द फिल्टर टू द एनी एरिया ऑफ द एरिया सेलेक्ट दैट एरिया सेलेक्ट फिल्टर गैलरी. Select filter to add it to the image and name the name of the filter appliance in the apply filter list at the lower right corner of the filter gallery dialog box. Enter value of choose the option of the filter you have pre-selected. To apply filter completely click the new layer effect and choose the addition filter to the apply and repeat this step to add more filter. To remove the applying filter, select the filter from applying filter and list and click delete. After applying all filter, click OK. अब देखिए इसमें ये दिया हुआ फिल्टर करें हम कहाँ पे कि हम लोग जाएंगे और हम लोग फिल्टर गैलरी से फिल्टर गैलरी सेलेक्ट करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स आएगा. ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे फिल्टर. फिल्टर अप्लाई करते ही भी या करने हमें एक न्यू फिल्टर लेयर आएगा, चूज़ करेंगे एडिशनल लेयर हम लोग अप्लाई करेंगे. ये चीज़ हम लोग रिपीटली कर सकते हैं, एक फिल्टर 10-12 फिल्टर में एक या दो तीन फिल्टर लगा सकते हैं. इसका रिमूव करने के लिए हम फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे फू फिल्टर को, फिर अप्लाई करेंगे जो फिल्टर का लिस्ट में आएगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे. आपका ये वाला जो है पूरा ये आपसे फिल्टर पूरा लगा जो हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे और उसको अगर नहीं पसंद आएगा उसको डिलीट कर देंगे. अगर पूरा सिलेक्ट हो चुका है तो हम लोग ओके कर देंगे, तो आपको फिल्टर करके आपका पूरा इमेज जो है इस तरह से आपका आएगा. पहले इमेज इस तरह से था, उसके बाद आपका फिल्टर इस तरह से आएगा मल्टी लेयर के प्राइम करके. चलिए
ये जो है आपका चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब जो इसमें जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं सारा टॉपिक पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।